भाई आज है 24 जून और अभी बज रहे हैं 12, और वीडियो का टाइटल तुमने देख लिया होगा, तुम्हारा भाई हो चुका है 24 जून है आज, बट मैं हो गया हूँ 25 साल का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं 25 साल का दिखता नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, बट कोई नहीं भाई, वो सब मैटर नहीं करता। तो कल रात को थोड़ी बहुत मैंने पार्टी, मतलब मैं पार्टी करने नहीं गया था, बट वहाँ पर मैं था, और वहाँ पर जब मैंने फ़ोन चेक किया तो उस टाइम पे 12 बज गए, तो आसपास जितने भी लोग थे भाई उनके साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, उनको जानता नहीं था मैं, बट आई थिंक यही थोड़ी सी ब्यूटी होती है जब तुम नए शहर में रहते हो, आसपास तुम्हें कोई जानता नहीं, बस उनको तुम्हारा नाम पता है। Hey boys and girls, my friend Christian is turning 30 today. I am turning 25 in next 2 hours. And we got shots. What's your name? Karina. Karina and Christian. Christian. They got Meister shots. Come. It's Christian's birthday. You have to sing happy birthday first. One. Prost! Prost! Happy birthday, Christian! Happy birthday! That was strong. It was Jagger. Happy birthday, Christian! Happy birthday! He's turning 30 today. I'm turning 25 in the next 2 hours. Have a good one. Thank you for the shots. No problem. Who didn't drink this one? I don't know. It's for him. No, take it. Nah. I'll be shit drunk. No, I don't want to be drunk. Let's go. No, it's for you. No, let's go. Yours. For me? Yeah. We had nothing. You already paid. The real German experience. And that one. How much? It's your third one. And my sixth shot. And sixth shot? And do you feel tipsy or something? No. Because you're German. Yeah. I'm a fucking Indian. Alright, boys and girls, your boy just turned 25. I'm 25. You're 25. I'm 25. Macarena. Macarena. ऐसी बकचोदी कर रहा था कल मैं वहाँ पे, तो ऑनेस्टली बताऊँ, जब 12 बजे ना, तो आसपास जो लोग थे उसमें से आई थिंक मैं एक या दो को मैं थोड़ा सा अच्छे से जानता हूँ, बाकी आधे लोग तो रैंडम थे मतलब वो। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम किसी नए शहर में होते हो, तुम्हें मीनिंगफुल फ्रेंड्स नहीं होते, तो थोड़ा सा अलग लगता है। बट रायर देन इसके बारे में सोच के कि अरे यार मेरे पास तो यहाँ पे दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने कहा चल कोई नहीं भाई, नहीं जानते भाई, क्या हो गया। यहाँ पे बात करते करते ये वाली जो ट्रेन है, ये लाल वाली होती है, ये रीजनल ट्रेन होती है, इसे कहते हैं बेसिकली स्लो ट्रेन, ऐसे दिखती है भाई, RB RE। और जो डॉयचलैंड टिकट जो मैंने ली हुई है 50 यूरो, जो हर महीने कटते हैं मेरे उससे, तो उसके अंदर हम पूरे जर्मनी के अंदर घूम सकते हैं इन ट्रेनों के साथ। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, मतलब पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो कल जब रात को 12 बजे बर्थडे हुआ, तो उनमें से एक दो लोगों को पता कि मेरा कल बर्थडे है, एंड जब एक ने बोलना स्टार्ट किया तो बाकी सारे भी आए गए, हैप्पी बर्थडे, मतलब वो बोलते रहे थे, बट तुम्हें अंदर से पता था ना यार कि पता नहीं, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, मतलब मैं शब्दों में इसको बयां कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट तुम जानते नहीं लोगों को, बट वो तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी बुरा लगता है कि यार सपोज अगर घर पे होते, फैमिली के साथ होते, तो थोड़ा सा वो केक वेक लाते, और मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं, बट थोड़ा सा वो, मतलब मेरे लिए जो बर्थडे है ना, वो हमेशा क्लोज लोगों के साथ ज़्यादा मैंने मनाया है, रैदर देन ऐसे रैंडम लोगों के साथ। बट कल रैंडम लोगों के साथ मनाया मैंने, तो उनको फ्री में मैंने शॉर्ट्स पिला दिए, भाई आओ बर्थडे है तुम्हारे भाई का, तो पिला दिए, तो चलो ठीक है। बाकी फिलहाल ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं इमोशनल बातें करूँगा तो फिर मैं मतलब बुढ़ा लगने लग जाऊँगा, क्योंकि यूजली बुढ़े लोग ज़्यादा इमोशनल बातें करते हैं, मैंने देखा है 50 साल 60 साल के, आई थिंक 25 साल का मैं हो चुका हूँ, तो आई थिंक मैं सीनियर सिटीजन तो क्वालिफाई हो ही जाऊँगा, क्योंकि बाल बाल तोड़ ही रहे, थोड़े टाइम में लगता है टकला भी खाली हो जाएगा अपना 30 साल तक आते आते। बट कोई नहीं भाई, जब तक है जवानी हम तब तक बकचोदी करते रहेंगे, यही अपना काम है।
मेरे पास शब्दों की इस टाइम पे कमी हो रही है, मतलब मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ बट कभी कभी मैं बोल नहीं पाता। बाकी तुम्हारे भाई का बर्थडे भाई, आज तुम्हारे भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विश कर भोसड़ी के, हैप्पी बर्थडे विश कर भाई। ओ भाई चल, शाणे होते हैं इंडिया में, अगर मैं ऐसे करता ना अब तक भाग चुका होता, उड़ चुका होता, बट यहाँ के थोड़ा शाणे होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग इनको ज़्यादा तंग नहीं करते ना, तो इनको आदत नहीं होती तंग होने की, बट मैं तो सबको तंग करता हूँ। यही है भाई जीवन, यही बकचोदी है, बना रहा हूँ मैं 25 साल का हो गया हूँ, बर्लिन में बैठा हूँ। अच्छा लास्ट टाइम आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम जब 24 साल का हुआ तब तुम्हारा भाई अफगानिस्तान बॉर्डर पे था, उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। अभी इन कबूतरों के साथ बना रहा हूँ मैं अपना बर्थडे, पहले उस टाइम पे तालिबान के लोग थे, इस टाइम ये जर्मनी के कबूतर हैं। 1 2 3 बाकी हम ड्रेसडन जा रहे हैं भाई, ड्रेसडन देखेंगे क्या सीन है ड्रेसडन का। ये बोरी बिस्तरा पैक कर लिया अपना मैंने, 2 दिन का या 1 दिन का पता नहीं, कितने दिन रुकता हूँ वहाँ पे, देखते हैं भाई मज़े करेंगे। बाकी क्या बोलना था मैंने, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं भूल जाता हूँ, बड़ी इमोशनल बातें करनी होती है मुझे बट मैं भूल जाता हूँ। तो बताते बताते यहाँ पे अपनी ट्रेन आ चुकी है, अच्छा आगे जाना है, आगे जाना है बात, तभी मैं ब्लॉग और ये सब साथ में नहीं करता है, ब्लॉग बनाने का मन था नहीं, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जब 30-50 साल का हो जाऊँगा तो मैं देख सकूँ कि जब मैं 25 साल का था तो मैं कहाँ पे था। जैसे मैंने जब मैं 24 साल का था तो मैंने आई थिंक उज़्बेकिस्तान में जब शूट किया था वो वाला ब्लॉग, तो आई थिंक जब तक यूट्यूब चैनल मेरा रहेगा तब तक मैं बर्थडे पे ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगा, चाहे मन करे ना करे बट करूँगा, बात करूँगा। तो भाई 2 घंटे बाद तुम्हारे भाई को यहाँ पे पता नहीं कौन से गाँव में उतारा है, यहाँ पे गाँव का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, इस गाँव का नाम है फाल्कनबर्ग। तो ये स्टेशन था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, अब मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो 40 मिनट बाद ट्रेन एक और है। तो ये रीजनल बान जो तुम टिकट आती है ना 49 यूरो टिकट, इसका ये मुझे स्कैम लगती है भाई, इतनी सारी चेंजेस करवा करवा के पहुँचते हो बंदा थक ही जाता है भाई, बट कोई नहीं जाते हैं भाई, फ़िलहाल अभी हम गरीब हैं तो इसका सहारा लेंगे, बट थोड़े पैसे आएंगे फिर ICE ट्रेन लेंगे। चलते हैं भाई। तुम्हारे भाई की तीसरी प्लेट है, इससे पहले 2 मैं प्लेट खा चुका हूँ यहाँ पे आकांक्षा, ये प्लेट नहीं मतलब चावल और ये राइस, और 6 महीने बाद ऐसा फ्लेवर मिला है, एंड ऑल थैंक्स टू शीतल बिकॉज यू आल्सो कुक्ड इट। अरे बेवकूफ, उसके मसाले यूज हुए। ओह क्योंकि ये ओके ओके ओके, मतलब माल मसाला इनका कुक, ये इनका न्योता और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बट नहीं कल मेरा बर्थडे था तो वो लेट हो गया ना, कल हम लेट हो गए, कल हम हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, सुनीता जस्ट टर्न 25, सुनीता इज नॉट डूइंग एनी हेयर केयर, सुनीता हैज अ हेयरी बर्थडे टू यू आकांक्षा, हैप्पी बर्थडे टू इंद्रानी, हैप्पी बर्थडे के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कुछ था मेरा 25वां बर्थडे जर्मनी ड्रेसडन के अंदर। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था मेरे पास कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी, मैं सुबह सुबह जब उठा था अपने बर्थडे वाले दिन 9 बजे, तो मैंने रैंडमली प्लान किया ड्रेसडन आया और काफ़ी मज़ा आया भाई। जितने भी लोग तुमने व्लॉग में देखे मैं उनको मोस्टली लोगों को आई थिंक पहली बार मिल रहा था, सिर्फ आकांक्षा को छोड़ के, एंड इट वॉज वेरी नाइस भाई, मतलब मैं जा रहा हूँ तो काफ़ी खुशी के साथ जा रहा हूँ। एंड सामने यहाँ पे ये ड्रेसडन का मेन स्टेशन है जिसे कहते हैं हाफ बॉर्न ऑफ, तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी 25 साल का तुम्हारा भाई हो चुका है, फ्यूचर में कोशिश रहेगी भाई कि थोड़े अपनी आदतें सुधारें और थोड़े बहुत सही चलें, एंड यही है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, ये वाला जो व्लॉग था काफ़ी रैंडम सा था, इधर कुछ भी हो रहा था बट भाई ऐसे ही होता है जीवन। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।